पुलिस लाइन मंडी में शनिवार को पुलिस विभाग द्वारा क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक मंडी गुरुदेव शर्मा ने की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने जिला में हो रही आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने और कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। क्राइम मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक मंडी गुरुदेव शर्मा ने बताया कि बैठक के दौरान पुलिस कर्मियों से संबंधित समस्याओं के बारे में चर्चा की गई, साथ ही अधिकारियों को लंबित पड़े मामलों को जल्द हल करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे 100 दिवसीय अभियान के दौरान विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जाकर युवाओं को ड्रग अब्यूज के बारे में जागरूक किया जा रहा है। आज पुलिस लाइन मंडी में JCC कम वेलफेयर व क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी थानों के SHO, चौकी इंचार्ज और हमारे सभी गजेटेड ऑफिसर्स ने भाग लिया। और इसमें पुलिस कर्मचारियों के संबंधित थानों चौकियों में जो हमारे तैनात हैं, उनके जो वेलफेयर से संबंधित समस्याएं थी, उन पे भी उनसे जानकारी ली गई और उन पे जो है जो भी आवश्यक दिशा निर्देश थे वो दिए गए हैं। और इसके अलावा जो लैंड ऑर्डर और पुलिसिंग से संबंधित जो जनरल इंस्ट्रक्शंस थी वो थानों को दी गई हैं, जिसमें विशेषकर जो विभाग द्वारा 100 दिन का जो कार्यक्रम निश्चित किया गया है, जिसमें कि ड्रग्स के अगेंस्ट कैंपेन और दूसरे ऑफेंडर्स हैं, POs के अगेंस्ट कैंपेन और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए यूज़ ऑफ सीट बेल्ट, मोबाइल फ़ोन, ओवर स्पीडिंग, इन पे स्पेशल ड्राइव लॉन्च करने के लिए हिदायत दी गई है। वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए गए कि महिला हेल्पलाइन के बारे में अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाए। साथ ही बैठक में यातायात से संबंधित समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। और विभाग द्वारा जो महिला हेल्पलाइन शुरू की गई है, गुड़िया हेल्पलाइन, शक्ति बटन, उस पर भी इनको आदेश दिए गए हैं कि पब्लिक, जनरल पब्लिक को उसके बारे में सेंसिटाइज किया जाए और पुलिस जो पेट्रोलिंग है उसको इफेक्टिव तरीके से किया जाए इवनिंग में, शाम के समय में, और जो सुबह सुबह स्कूल्स का जो टाइमिंग्स होता है उसमें ट्रैफिक रेगुलेशन जो प्रॉपर हो उसके लिए भी हिदायतें दी गई हैं। और इसके अलावा जो सभी थानों के जो पेंडिंग केसेस हैं उन पे भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक के दौरान सभी थानों के SHO, चौकी इंचार्ज के साथ सभी ऑफिसर भी मौजूद रहे। कैमरा पर्सन सन्नी कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।